हेलो दोस्तों, मैं दिनेश वर्मा स्टूडेंट उठ के मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आप बहुत परेशान हैं और परेशानियों का सामना करते करते आप थक गए, तो आप मेरे पास आए, उस परेशानियों को जड़ से खत्म करूंगा या छुट्टियों। तो आपकी अगर भूत प्रेत से रिलेटेड है या लाइफ से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आप फोन पे बात करोगे, फोन पे क्या होगा, फोन पे थोड़ा टाइम के लिए मैं आराम दे दूंगा, फिर वही रिटर्न होगा। तो दोस्तों, ये जैसा मेरा स्थान है, आप सबको मैंने पहले भी बताया था, स्थान पे आप जैसे मेरे गेट के अंदर घुसोगे, ऑफिस के अंदर जैसे घुसोगे और यहां पे बैठोगे, आपको एहसास हो जाएगा कि आपके सर पे कोई बलार नहीं है, क्योंकि मेरे पास भूत प्रेत डायन डंकनियों को किसी के सर पे आने के लिए इतने इजाजत नहीं है। अगर आपका कुल देवी है, कुल देवता है, अगर आपकी दिव्य शक्ति है, तो वही आपके अंग पे आएगा, अन्यथा जिन जिन्नादों चाहे भूत भूतनी हो, इनकी औकात नहीं है, मेरे स्थान पे आने का और उसके शरीर पे आके हावी होने का। आपने देखा होगा कि हर एक तांत्रिकों के पास आप गए हो, और शैतानी हरकत उसके सर पे आ जाती है और वो खेलना चालू कर देता है, मुंडी पटकना चालू कर देता है, तांत्रिक बहुत कुछ कर लेता है, अगर जिन्नात है तो घंटा नहीं जाएगा उसके ऊपर से, क्योंकि तांत्रिक के अंदर इतनी बल नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो उस जिन्नात को निकाल के फेंक सके या कोई भूत प्रेत को शांत करा सके। पर मेरे पास वो बल है, वो शक्ति है, वो मेरे अपनी शक्ति है। आपको तांत्रिक के पास जाने से वो तुम्हारे सर पे आता है, आप उतना कार्य करेंगे जैसे आप मेरे ऑफिस के गेट के अंदर घुसेंगे, वो जितने भी तुम्हारे ऊपर कार्य रहेंगे, भूत प्रेत चाहे जिन्नात रहे, वो पहले आपके शरीर को छोड़ के जा चुका है। ये मेरी 100% की गारंटी है, आजमा भी देख लो। ऐसा नहीं, मैं नहीं भी रहूं ऑफिस के अंदर तो भी आप आजमा सकते हो। तो दोस्तों, मेरा बोलने का कारण यही है कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन है, परेशानी है, तो आप आने की कोशिश करें। और ये बात हमेशा याद रहे, जब भी आप कहीं जाते हो या कुछ कार्य कराने के लिए जाते हो, तो जो चढ़ावा होता है वो हमेशा ध्यान में रखें कि वो देना पड़ता है। वहां आने के बाद, आप काम कराने के बाद, आप बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो शक्तियां होती है वो शक्तियां रिटर्न रिवर्स हो जाती है और आपकी शक्तियां रिवर्स आपके सर पे आ जाती है। यहां पे मैं सबको खुले शब्दों में नहीं बोल सकता, खुले शब्दों में नहीं बोल सकता कि भाई आप देखे जाओ, कर्तव्य आपका है कि आप चढ़ावा देखे जाए। ठीक है दोस्तों, काफी लोग आते हैं ऑफिस के अंदर, काफी लोग आते हैं, काफी लोग ऐसे ही करते हैं, चले जाते हैं, बाद में बोलते हैं दो दिन ठीक था ना, उसके बाद फिर मेरे साथ में ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया? आपके अंदर थोड़ा छल था, कपट था। आपको बताया जाता है कि चढ़ावा आपको आपके लिए देना है, मेरे लिए नहीं देना है। तो जो चढ़ावा हमें देनी पड़ती है, अगर लोग पूछते ना कि आप चढ़ाते क्या हो, तो भाई वीडियो एक साफ सुथरा आप सबको मैं बताता हूं, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं जो ब्राह्मण कुल से हैं, उन सबको पता है कि भैरव बाबा को चढ़ता है।